भाभी को कैसे मालूम हुई? भैया तुम हमारे ऊपर न सकाओ, हमारे ऊपर न सकाओ। ऐसा है ये मामा महल जब कबो आवत रहे तो महल कह जात जरूर रहे, और हमारा पूर्ण विश्वास है यह खबर मामा महल बताई नहीं है। क्या मामा महल? हाँ उन्हें बताई नहीं है। इसका मतलब ये सारी बातें मामा जी की जड़ी हुई है? मामा जी की जड़ी यही बात है। यानी मामा की एक थाली खाना पेट में हजम हो जाता है? लेकिन जरा सी बात नहीं हजम हुआ। कोई बात नहीं, ओपन। पहली बात तो बड़े भैया आज्ञा नहीं देंगे, अगर बड़े भैया ने आज्ञा दे दिया तो अपने साथ मिले चलेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। ये बात सही है। हम भाभी कहने के इंतजार करते हैं। अच्छी बात है, चलिए। अरे प्रीति करे तो निबाहु करे, अनरीति करे पहले कही दिन। अरे तेरी अति प्रीति करे कबहू न, अरे प्रीति करे उस मालिक से, अरे तेरी अति प्रीति करे कबहू न। भैया ब्याह करे तो दूरी करे, अरे नेरे ते ब्याह करे कबहू न। ससुरारी मजाई बसे कबहुन, अरे लाज चाहे अपने कुल के, ससुरारी मजाई बसे कबहुन। अरे छे दादा सभी चारी कहे, अरे बात करे तो हसे कबहुन। कहानी पर ध्यान देना, इधर देखे लोग सामने ये दरबार है, दरबार में बड़े अलहदू बैठे हैं, उधर से भाभी जी आती है, देखे दोनों में क्या नोक झोंक होते हैं। कब हम सामने बड़े भैया अलहाते हैं, बड़े भैया को प्रणाम करते हैं। ठीक है, खुश रहो, सिंहासन लगा। अच्छी बात है, मैंने आपका सिंहासन लगा दे बैठे। द्वारपाल जी को प्रणाम करते हैं। स्वामी जी? हाँ वो तो बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो आइए हमारे साथ। अरे मसला क्या हुआ स्वामी? अरे कम से कम इतने नौकर हैं, हाँ उसे बता दिया होता। बड़ी खुश हो मसला, आखिर बात क्या है स्वामी? मैं अपनी खुशी की बात आपसे खुद ही बताने आई हूँ। ठीक है, बताओ कौन सी बात है। आइए, स्वामी गुस्ताखी को क्षमा चाहती हूँ। स्वामी अगर उससे कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। लाली मल कबूतर कराने की थी।
उदयराज के संग में ये बात है मिथिला। हाँ स्वामी, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? शे अपने दुश्मन अनेकों और जुड़े गंग तट अपने दुश्मन ये अपने दुश्मन मछला। मैं गंगा नहाने के लिए कभी हुक्म नहीं दूंगा। स्वामी क्या बात है, मैं मानती हूँ कि जादूगरनी वहाँ अनेकों आएंगी, उससे मुझसे कोई वास्ता नहीं। क्यों? लेकिन अगर कोई वक्त मुसीबत सामने आती है तो स्वामी मैं भी आपकी पत्नी हूँ, एक छत्राणी हूँ, मानता हूँ से मुझसे ज्यादा नहीं जादूगरनी कोई मुझसे किसकी हिम्मत जो देखे हमारी तरफ किसकी हिम्मत जो देखे हमारी तरफ बच्चा के दे दे मर के प्यागे जुदन कि मेरे प्यारे प्याचू हो कदम प्यार
स्वामी आपको मेरी शरण, मुझे आज्ञा दी जाए, मैं मेले अवश्य जाऊंगी। नहीं मिथिला, मैं आज्ञा तुम्हें नहीं दे सकता। स्वामी क्या बात है, और जोड़ दोनों हाथी बलमुआ मुख अपने से कह दे। लड्डू पेड़ा और जलेबी सभी माला जाए, मेले में घर मिल गए अरुआ तेरी हंसी उड़ाए। देखो मछला, आप मेरी शगन, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने बेटे इंद्र को ले जाकर वही पे मुंडन कराऊंगी और बहुत शीघ्र महल को आऊंगी। आपको मेरी शगन मछला, तुम तो सही कहती हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं तुम्हें आज्ञा दूं। खैर मछला, अगर तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जा सकती हूँ। ठीक है सभी, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपसे आपके पास फिर आके मैं आपके दर्शन प्राप्त कर रहा। और एक बात याद रखना, बहुत जल्द वापस आना। ठीक है, जाओ खुश रहो। हेलो, जिस लड़के का मुंडन है उसके चाचा शिवा की ओर से 21 रुपए पुरस्कार आया है, पार्टी की ओर से धन्यवाद। दरियान, अरे भैया ये बताओ कहाँ चले जाते हो तुम? अब ये तो है, अब कहाँ करी, कहाँ थे ये तो है, जब देखो मत बाहर, जब देखो बाहर, अब काम धल करी का ये बताओ। बोलिए, महलों ने खबर किसने किया? देखो हम नहीं बता सकते। सही बताने, इतना मार मार का दिमाग से हो जाएगा। अरे हमका काहे बमरी हो, हम थोड़ा बहुत बता। नहीं, किसने खबर दिया वहाँ पे? हमारे हिसाब से मोहम्मद जी ही नहीं खबर। क्या तुझे मालूम है? हमका पता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब कब आवत रहा तो राज दरबार राजमहल के जात जरूर रहे, हमका पूर्व सौ तो नहीं बताई नहीं है। अच्छा ठीक है, तो दरबार में रह और मैं चलता हूँ। अच्छी बात है, चलिए। हेलो,
और जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया अरे साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई हो, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, अरे ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, अरे ऊपर के नहाए का होई। अरे जब खेत चिरैया चुन लिहिनी, जब खेत चिरैया चुन लिहिनी, तब डंडा हलाए का होई हो भैया। जब खेत चिरैया चुन लिहिनी, तब डंडा हलाए का होई। जब खेत चिरैया चुन लिहिनी, तब डंडा हलाए का होई। अरे जब एक सी डंक तुम कर ही चुके, जब जब एक सी डंक तुम कर ही चुके, तब हारन बजाए का होई। एक दिन की बात है, जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता मैया जब वन को जाते हैं, तो चलते चलते गंगा तट पर पहुंचते हैं, तो गंगा तट पर केवट रहता है। तो केवट से श्री राम कहते हैं कि हे केवट, कृपया करके मुझे नदी के उस पार करा दीजिए। तो केवट प्रभु श्री राम जी को देखता है और अपने मन में सोचता है, कहता है कि ये तो वही प्रभु श्री राम है कि जिसने एक पत्थर की शिला को अपने चरण छुआए थे तो अहल्या नर बन गई थी, और आज हमारी नाव पर बैठेंगे तो हमारी नाव का क्या होगा। तो केवट अपने मन में सोचता है, कहता है, पत्थर की शिला जब नारी भई, तब हमारे नाव का होई। पत्थर की शिला जब नारी भई, तब हमारे नाव का होई। अरे जब नाव मेहरिया बनी जाई है, जब जब नाव मेहरिया बनी जाई है, तो घर के मेहरिया का होई। क्या बात है, बस मनोरंजन खाए रहे। मनोरंजन खाया जाता है, लहम कह के पिया जाता है। भाभी को आज्ञा मिली कि नहीं? अब भैया जी भाभी जी आवे तो बहने बताओ, अब हमका का पता कि आज्ञा मिली कि नहीं मिली। भाभी जी का आवे दे, इंतजार करा जा, बैठा जाए। आज भाभी जी का आवे देखो जी। अरे भाभी जी, अरे भतीजा इंदल वो खुश रहो। अरे चाचा जी, मैं आपको प्रणाम। जीते रहो इंदल। चाचा जी, मैं आपको प्रणाम। हम तेला प्रणाम करो बच्चा, हम नौकर चाकर। तुम्हारे यह बताओ कौन हैजा है? हैजा वे तोरे। तुम्हारे कौन बीमारी है? का है का होगा? तुम बार बार मुंह पूरा देख लिया थो, अब तो खो 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 लगावत। अरे जब खांसी नहीं आवत है तो हम कैवित खांसी ले। खांसी नहीं आवत तो कहीं भी तो खांसी ले हो, और भाई खांसती नहीं आई का? जब खांसी आई तो खांसे देखियो, ना ऐसे में चलते ना वैसे में, तुम्हारा मुंह ही टूट डाल। हम तुम्हारा पाँव ही टूट डाल, फिर ज्यादा बड़ी हो तो इंतजार बात करो, हम बात नहीं करना चाहिए। ये भी तो कहेंगे हम बोला नहीं चाहिए नौवा बार इनके। मामा जी बहने चलो चलो म्याले चलो म्याले चलो म्याले चलो म्याले। भाभी जा रही है। बहुरिया, अरे बहुरिया ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। म्याले जा रही, मेले जा रही भाभी जी भी। अब उपाचे
अरे बाबा, अरे अरे हमार नाती आए, नाती नाती आए। हाँ बाबा जी, ऐसे तुम तो कह रहे भैया हो। मामा सिरे तेनो पैसा मांग ले हो, दुनिया खाए दुनिया नहीं, पहले कहे सीखू, जब देखो तब मामा सिरनी ऐसे दो दुनिया खाई है। कहे देओ पैसा, पैसा दियो। हाँ बाबा, अब भाई म्याला जे धन पैसा तो दिए। हाँ पैसा दियो। अरे तो पैसा मिल जाए, म्याला मिली है, काहे परेशान। बाबा जी सारी बातें छोड़िए, हम मेले कभी नहीं गए हैं, मेले के लिए रास्ता बताइए। म्याला तो हम हर साल जाए थे, आप हमेशा आते जाते रहते हैं, आपको रास्ता मालूम है। रास्ता तीन ही है, जाऊन एकदम सीधा हुए और जस्ट रसाओ जल्दी पहुंचाओ। पहले सुन लियो, यहाँ का रास्ता है करीब तीन दिन लागी। तीन दिन? हाँ। वो रास्ता नहीं जा रहा है। यहाँ का रास्ता दो दिन लागी, वो भी नहीं जा रहा है। और यहाँ का रास्ता एकदम सीधा, सुबेरे चलो शाम का हाथी। ठीक है बाबा जी, वही रास्ता चलो। तो चलो, वो इलाका कौन सा है? कनौज होते हुए चलो, कनौज होते हुए। हाँ ठीक है बाबा जी, चलो हम कनौज होते हुए चलते हैं। भाई ने क्या बात है बाबा जी, इतना चौड़न कितना चली हो का, दिमाग खराब हो गया क्या बाबा जी तुम्हारा? वार चौड़ना बना नहीं, कुछ हो संपत्ति सौदा बाहर हो जाए। चलो चलो कंजहो मोहबे के, जब जब कहो स्नान करेंगे या कहो चढ़ाई की, तो जमीन के धूल या आसमान में लाग है और भौसा बाजत गवा है। मामा जी हमें इतना बेकूफ समझते हो, हमने अपने दरबारी से पहले कह दिया था जैसे हम लोग मेले के लिए प्रस्थान करें उसी समय मेले के लिए गंगा मैया के नाम डंका बजा देना, अगर कान बंद हो तो सुन ले देखो डंका बज रहा है। हमका नहीं सुना बराबर। हाँ हो बाजा, चलो चलो। अब की दोस गिट्टी को पर गिट्टी बासी उदल हम कहे लहन तुमका मरवाए तो छोड़ब, अब चली हम ऐसी कनवज हुई कि हमरे भाई ने हट्टा कट्टा अगर चीर दियो तो दू ठौरा हुई है, उनका नाम लाखन और उनसे कहीं पुरान दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन अपने भैने से दू चार चुगली भरी तो बेटा का जान परी कौने बात के सामने, अब की मोहरा अब की कटक 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 तेगा चली है, तो दुई माए कुछ सारी मरी है, तो अब की माहिल दादा शक्कर पूरी चल मरी घोड़ी, इनसे पहले कनवज चली। Tick tick go, tick tick. असाब, ये देखिए अपने सामने कन्नौज नगर है, कन्नौज में लाखन दद्दू आते हैं, आकर के देखिए अपने सामने क्या कहते, क्या लिखा तुम सामने है। लाखन कहते हैं, जहां भर की हुकूमत, जहां भर की हुकूमत ताज है जेरे कदम मेरे, पड़े हैं कल के दरवाजे वो सब मेरे, नजर जिस मुल्क के जानी, नजर जिस मुल्क के जानी मैं अपनी डाल देता हूं, हुकूमत की तो मैं बस वहां की छीन लेता हूं, क्योंकि मुझे लोग प्यार से लाखन कहते हैं। बार बार भैया को हम बुला करते जीते रहो, ये बताओ कन्वर राज के क्या समाचार है? भैया ये तुम्हारी जनता तुम्हारा ही गुणगान गाती है, जनता में किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। ठीक है तुम पहरे से लग जाओ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अच्छी बात है भाई जी। अच्छा।
डारियो डारिया बुढ़ाओ उको हम बुढ़ा गए तो कहे धमा घोड़ियो बुढ़ा गवे घोड़िया तो नहीं का अंधरी हो घोड़िया तो नहीं बुढ़ा का देख नहीं पड़त है तू डारियो हाथ मारो पेट पचका दी हो बता कहे पर आयो है क्यों बताओ हमने भाई ने लाखन है हाँ वो तो बैठे हुए हैं सिंहासन पे जाओ उनसे कह दियो मामा पुराई पति आए हैं अरे हिम्मत का है तो जरूरत है हमारे साथे आओ हिम्मत तुमका कहूँ रोका छोका चलो 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 अरे जय गोपाल का धारा किया इसी के अरे मामा जी आखिर नाराज काहे को होते हैं आज बात न पर जाए या कदमज का नाक बिल्कुल कटे वाली क्या बकवास कर रहे हैं मामा जी आइए बैठिए नाश्ते पानी का इंतजाम करता हूँ या तुमका आखिर इस कनौज राज में क्या फर्क है तुमका नाश्ता जिस तरीके से हमारे पिताजी राज चलाते थे उसी तरीके से मैं भी चला रहा हूँ यहाँ तो तुम्हारी भूल है आखिर बात क्या है बाबा चले कहो बाट न पड़ जाए हमारे कुआ नातेदार रहा मरजाल को आंख उठा कर देख लिए आज भी है कि हमारी कनौज राज की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता मामा जी यह तो हम कहा चाहिए बहने क्या है कुछ सुनियो क्या सुना अगर आपको सुनाई देता हो तो आप ही बताइए तो सुनो बोलो और सुनो ध्यान देख कर जरा और खाने आखिर बात क्या है बाबा जी सुनो ध्यान दे कर जरा है दुश्मनी का चार वहां पर हल्का मारी रहा दुश्मनी का है दुश्मन का भौसा हो और शर्म ये तो ही नहीं आई है बकवास कर तुम्हारा दी यह तलवार को लगाम दो यह तलवार हमारे ऊपर उठाओ तो अरे हमारे बहनी की लड़का हुआ दुश्मन को ऊपर तलवार उठा था बोलो बोलो आगे क्या बोलना चाहते हो है दुश्मन का भाषा हो और शर्म ये तो ही नहीं आई है और हुआ शर्म तो डर तू मर चलो भर पा हट्टा कट्टा बैठी तुमका चीर दिन जाए तो हमारे दुई भाई मामा जी आप जानते हो मैं मेला जरूर लगवाता हूँ लेकिन साथ साथ ये मुनादी करा रखा हूँ कि लाखन के सिवा हमारी राज में किसी का धौसा नहीं बजा तो भाई ने हम कहा जाए धौसा बाजा है धौसा बाजा तो हमारे भाई ने लाखन का और दूसरे का नहीं बजा है आवाज भी है मामा जी जो धौसा बंद हुए चाहिए ये बहुजा को सुनो बहुजा बाज रहा सुनो बाज रहा मामा जी लेकिन एक बात बताओ ये धौसा किसका बज रहा है क्या बता सकते हो दुश्मन ही पुरानी दुश्मन मामा जी भाई ने आप बैठ कर आराम करें मैं धौसा बंद करा के तत्काल अभी वापस आता हूँ तो ना हो चौको न हो यहाँ बैठ के आराम न हम करब तो फिर भैने धौसा बंद हो चाहिए ओ जो धौसा ना बंद भवो हम जानब हमारी बहनी के लड़का मामा जी धौसा बंद होगा मैं अभी धौसा बंद करा के आता हूँ तो